lover नहमदली रसदील करीम अम्माब बसमीम वसली नबी महमद रबरा सदरी वसरअली अमरी वाहकदतमिसफ़ा कौली वजा वज़ीअम आहली आमीन या रब्ल आमी नाजिक राम अल्लाम वर हम वबरकू खुश आमदीद कहते हैं आपको क्यों टी वी की खसूस नशियात और खसूस सीरीज़ है हज के तालुक़ से हकमत हज अहकाम हज की हिमतों को जानने की समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे अंदर भी हज को अदा करने उम्रे के मनासिक को अदा करने का ओक़ो शौक पैदा हो सके हमारे इस प्रोग्राम में अलहदुल्ल हमने फलसफे हज पर कलाम किया है अहराम के हवाले से कलाम हुआ है आज इन शाह हम तवाफ़ के हवाले से कुछ अहम बातें आपकी खिदमत में पेश करेंगे और उनकी हिमतों को जानेंगे हमारे साथ हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ बहुत ही प्यारे नौजवान साथी मौजूद हैं आइन खुश आमदीद कहते हैं और प्रोग्राम में शरीक करते हैं असल वरम् वरिबा खैर से बेटा आप लोग माशाल्लाह। जी नाजिक राम बात को आगे बढ़ाते हैं हज। इस सीरीज में हम हज के मनासिक की हिकमतों को उनकी विस्डम को समझने की कोशिश कर रहे हैं और आज तवाफ के हवाले से हम कलाम करेंगे इतना तो मालूम है अल्लाह ताला के घर बैतुल्ला शरीफ का तवाफ किया जाता है तवाफ में कितने चक्कर होते हैं सात चक्कर होते हैं अच्छा जब हम उम्रे के लिए जाते हैं और हालत एहराम में हुआ करते हैं तो जब तवाफ किया जाता है तो आपने पढ़ा होगा एक रमल भी किया जाता है क्या किया जाता है रमल उसमें थोड़ा अकड़ कर तीन चक्करों में चलना होता है मर्द एक और भी काम करते हैं वो दो चादरें पहनते हैं ना तो जो हम तवाफ़ करते हैं जिसके बाद सड़ी करनी होती है सादा से अल्फाज में के उम्रा करने जाते हैं ना हज के मौके पर भी उम्र अदा होता है तो जब हालत एहराम में होते हैं उसके बाद सड़ी भी करनी होती है तो एक हिस्सा आपने देखा होगा दाया बाजू खुला होता है इसके लिए पता है टर्मिनोलॉजी क्या है इसको कहते हैं इतबा थोड़ा मुश्किल लफज है या पढ़ लेंगे किताबों के अंदर तो इतबा करना होता है दाया कांदा मर्दों को खुला रखना होता है लेकिन पहले तीन चक्करों में रमल यानी थोड़ा अकड़ कर चलना होता है यह अमल आपने पढ़ा भी होगा इस्लामिक स्टडीज़ में टेलीविजन पर देखा होगा हज की ट्रांसमिशन में देखा भी होगा तो तवाफ़ पर हम कलाम कर रहे हैं अल्लाह ताला के घर का तवाफ़ हो रहा होता है और एक लिबास लिबासहराम की हालत में हो रहा होता है ये मोहब्बत का इजहार है अल्लाह ताला से अल्लाह ताला को देख तो नहीं पाते हम इस दुनिया में तो मुमकिन नहीं अल्लाह तला के घर को तो देख सकते हैं ना अल्लाह हम सबको उसकी ज़्यादा अता फरमाए अब अल्लाह से मोहब्बत के इधार के लिए घर को भी देखते हैं अल्लाह के अल्लाह से मोहब्बत के इधार के लिए उसके घर के चक्कर लगा रहे होते हैं मोहब्बत में डूब कर और दीवाना वार अल्लाह ताला के घर के चक्कर लगा रहे होते हैं वैसे आपको पता है पूरी कायना चक्कर लगा रही है क्या मतलब जितने स्यारे हैं सोलर सिस्टम्स हैं और उनके सूरज हैं स्यारे हैं ये सब के सब अपने अपने ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं कुरानी करीम सूर्य यासीन में हम पढ़ते हैं वह कुल्लफी फल की यस बहून हर एक अपने मदार में अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है हरकत कर रहा है तो पूरी कायनात का बनाने वाला कौन अल्लाह ये सूरज चांद सितारेन के बनाने वाला कौन अल्लाह ये सारे स्यारे सोलर सिस्टम बनाने वाला कौन अल्लाह इनको ये चक्कर पर मुक्र करने वाला कौन अल्लाह ये चक्कर लगा कर अल्लाह तला की इताद कर रहे हैं ये सब चक्कर लगा कर अल्लाह तला के हुक्म की पासदारी कर रहे हैं तो एक बंदा जब हज के लिए जाता है उम्रे के लिए जाता है तवाफ़ करता है तो वो भी इस पूरी कायनात की मुताबिकत इख्तियार करता है और जैसे पूरी कायनात मूव कर रही है हरकत कर रही है अल्लाह के हुक्म पर यह बंदा भी उस हरकत में शामिल हो जाता है और अपने मुस्लिम होने का फर्मा बरदार होने का ऐलान करता है बात वाजे मुश्किल तो नहीं है सारी कायनात अपने अपने ऑर्बिट में हर चीज मूव कर रही है तवाफ में भी हम ये काम कर रहे होते हैं एक और इंटरेस्टिंग बात तवाफ का जो अमल है वो एंटी क्लॉकवाइज है घड़ी चलती है ना बारह के बाद एक आता है दो आता है तीन ये तो क्लाक वाइज है एंटी क्लाक वाइज क्या होगा इसके बरकस तो ये पूरी मूवमेंट है सितारों की या सैयारों की या सोलर सिस्टम्स की ये सारी मूवमेंट भी एंटी क्लाक वाइज होती है ये सारी मूवमेंट भी एंटी क्लाक वाइज होती है तो सारी कायनात की मूवमेंट एंटी क्लाक वाइज हो रही है बंदे भी तवाफ़ करते हुए इस कायनात की मुताबिकत इख्तियार करके एंटी क्लॉकवाइज वाइज जो है वो अपने अपने अंदाज से तवाफ कर रहे होते हैं एक और अहम बात अल्लाह ताला के घर का जब हम तवाफ़ करते हैं तो चक्कर कैसे होते हैं गोल गोल और आगे बात होगी सही के हवाले से जब सही की जाती सफ़ा और मरवा के दरमियान भाई गए भी होंगे कुछ लोग और देखा भी होगा और बहुत सारे नाज्रीन भी गए होंगे अल्लाह हम सबको तोफ़ी का फ़रमाए तवाफ़ के चक्कर होते हैं गोल गोल लेकिन सही के चक्कर होते हैं सीधे सीधे ये क्या है ये मोहब्बत में दीवाने हो जाओ किसकी मोहब्बत में अल्लाह की मोहब्बत में दीवाने हो जाओ जब कहा कि घर को छोड़ कर आ जाओ तो छोड़ कर जाओ भाई घर को बीवी को बच्चों को कारोबार को नौकरी को जायदादों को गाड़ियों सब को सबको छोड़कर फकीराना लिबास में निकल पड़ो क्यों लब्बई कर लब्बई अल्लाह तूने पुकारा तो मैं हाजिर तो घर बार को भी छोड़ दिया वहां जाके गोल गोल चक्कर लगाने को कहा तो गोल गोल चक्कर लगा लो ठीक है जब कहें कि सीधे सीधे लंबे लंबे चक्कर लगाओ सई वाले तो लंबे लंबे चक्कर लगाओ असल बात क्या है जय जो अल्लाह ताला फरमाता जाए वो करते चले जाओ आजकल कहते हैं मेरा मेरी मर्जी ना हज बताता है अल्लाह का वजूद अता करदा है ये। तो इस, इस वजूद के खालिक की मर्जी चलेगी समझ आ रही है बात मेरा जिसम मेरी मर्जी नहीं अल्लाह जो फरमाएगा क्योंकि मेरा खालिक अल्लाह है ये वजूद मेरा नहीं ये वजूद अल्लाह ताला का अता करदा है तो मर्जी मेरी नहीं चलेगी मर्जी अल्लाह की चलेगी एहराम की हालत में भी हमने समझा था हलाल चीज़ों को छोड़ देते ना खुशबू नहीं लगानी नाखून नहीं काटने बाल नहीं काटने जो अल्लाह की मर्जी गोल चक्कर लगाओ अल्लाह ताला की मर्ज़ी और लंबे लंबे चक्कर लगाओ अल्लाह ताला की मर्जी ये सब कुछ क्या है ये अल्लाह की मोहब्बत का अमलन इजहार हो रहा है लैला मजनू की दास्तान कभी सुनेंगे अब तो ज़रा दौर बदल गया है तो मजनू एक सिंबल है एक अलामत है किस चीज़ की दीवानेपन की तो वो तो मजनू था लेला के चक्कर में परेशान हो गया असल में तो मोहब्बत सबसे बढ़कर किससे होनी चाहिए हाँ वल्लिन आमनु मनु अशद कुरानी करीम फरमाते सूरतुलबकर की आयत नंबर एक सौ पैंसठ में जो लोग ईमान लाए उनकी शदीद तरीन मोहब्बत सबसे बढ़कर मोहब्बत किसके लिए होती है अल्लाह सुबहान तला के लिए ये नुकता है जो हज के पूरे फलसफे में सामने रहे ये नुकता है अल्लाह की पुकार पर लब्बई कहना अल्लाह के हकुम के सामने झुक जाना अल्लाह की मर्जी किताबे हो जाना अल्लाह तला का मुस्लिम हो जाना अल्लाह के हकुम के सामने सरेंडर कर देना मेरी मर्जी नहीं चलेगी मेरे रब की मर्जी चलेगी यह है हज का फलसफा और तवा भी इसी का अमल है अल्लाह ताला के घर के चक्कर लगाए चले जाओ लगाए चले जाओ लगाए चले जाओ दीवाना वार होकर और मोहब्बत से सरचार होकर ये थोड़ा बहुत फलसफा और मैंने आप सामने आपके सामने रखी तवाफ़ के हवाले से तो नाजिक राम ये तो गुफ्तु का एक हिस्सा जो इस सेगमेंट में हम आपके सामने रखते हैं हज के तालुक़ से वो मुकम्मल हुआ और तवाफ़ की हमत को हमने जाना वो अल्लाह ताली से मोहब्बत का इजहार है आम अल और अल्लाह की मोहब्बत से सरशार होकर दीवाना वाल उसके घर के चक्कर लगाना अल्लाह को तो इस दुनिया में देख नहीं सकते मगर उसके घर को देख तो सकते हैं उसके घर के दरवाजे को चूमने की कोशिश तो कर सकते हैं और उसके घर के चक्कर तो लगा सकते हैं ये हमतें हमारे सामने आई हैं अब प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक आगे चलते हैं और चलते हैं हमारे साथियों की जानेब जो तैयार बैठे हैं कुछ सवाल यकीन इनके जहनों में होंगे आइए मालूम करें वो सवाल क्या हैं उनके जवाब भी आपके सामने रखते हैं इन शी तो बेटा पहला सवाल कहाँ से आ रहा है अल्लाम वरम् वबरक वालेकाम वरहल वर्काता मेरा आपसे ये सवाल है रमल करने की ज़रूरत तो नहीं नहीं लेकिन फिर भी किया जाता है इसकी क्या हमत है इरशाद फरमाए अच्छा बड़ा टेक्निकल सवाल आपने पिक किया है ठीक है फरमा रहे कि रमल की अब जरूरत तो नहीं है फिर भी किया जाता है अब इस सवाल के पीछे तफसील है रमल मैंने आपको बताया था क्या था याद है जरा अकड़ के चलना ठीक है पहले तीन चक्कर वो तवाफ के जिसके बाद सही की जाती है उसके अंदर क्या है तीन चक्कर में जरा सीन कर पस मंजर ये है कि नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहब कराम रजी अल्लाह तजमैन मक्के मुकरमा से हिजरत करके कहाँ तशीफ ले गए थे मदीना मुनव्वरा फिर छः हिजरी में सुलह उदैबिया का मामला हुआ और उस साल उम्र अदा ना हो सका फिर सात हिजरी में उमरा अदा हुआ कदा के तौर पर तो मक्के वालों ने कहा मुसलमान मदीना जाकर कुछ कमज़ोर हो गए कुछ क्या हो गए कमज़ोर हो गए तो रसूल ने शाद फरमाया जरा अकड़ कर चल कर दिखाओ तो ये रमल क्या है अकड़ कर चल कर दिखाना तौर पर अल्लाह ताला को अकड़ना पसंद नहीं है मगर इधर अल्लाह के पैगंबर ने फरमा दिया तो रमल करना ही सुन्नत है एक हिकमत क्या है हुजूर जो फरमाएंगे उस पर अमल करना है अलैहि अल्लाह और दूसरी बात क्या है मुसलमान कुफार के तक ये पैगाम पहुंचा दें हमें कमजोर न समझना हमें ढीला न समझना हम तैयार हैं अल्लाह से लॉ लगाएंगे ईमान को मजबूत करेंगे और तुम्हारे सामने कुफार के सामने सीना तान कर खड़े होंगे यह है रमल का एक फलसफा जो सामने रहना चाहिए अगला सवाल कहां से आ रहा है जी जी बेटा असलकम वरह वालिकम्स वरहमत ला वरक़ मेरा सवाल यह है कि सिर्फ खाने काबा का ही तवाफ क्यों क्या किसी और घर का तवाफ करना ममनू है माशा बहुत ज़बरदस्त सवाल है जब आपने लफ्ज़ तवाफ़ इस्तेमाल किया तो ये तो ख़ास हो गया अल्लाह ताला के घर के साथ और हज और उम्र के मनासिक में तवाफ करना भी शामिल हो गया तो अल्लाह ने इस घर को बैतुल्ला शरीफ को अपनी तरफ नस्बत दी तवाफ़ नाम ही बैतुल्ला शरीफ के गिर चक्कर लगाने का है तो और किसी घर को तो इस माना में अल्लाह नहीं कहता हाँ मसाजिद भी खान काबा की बेटियां हैं बड़ा प्यारा जुमला है एक जगह लाहौर में एक मस्जिद है उसका नाम है बिनते काबा क्या नाम है बिनते काबा बिन्त किसे कहते बेटी को तो नस्बत के तौर पर तो कह सकते हैं लेकिन खान काबा को नस्बत है किसकी तरफ

तवाफ़ में जो सात चक्कर लगाए जाते हैं उस अद की क्या कोई खास होती है माशाल्लाह, बड़ा जबरदस्त सवाल है। तवाफ़ के चक्कर कितने होते हैं एक तवाफ जब करते हैं तो मुकम्मल कब होगा जब सात चक्कर पूरे हो जाएं। क्लियर एक मरतबा तवाफ करेंगे तवाफ़ तो नफल भी होता है ना बार बार करेंगे अल्लाह हम सबको को तोफ़ी फरमाए कहिए ज़ोर से आमीन माशाअल्ला ठीक है तो एक तवाफ़ मुकम्मल होता है सात चक्कर पर सवाल ये है ये सात का जो अदद है इसकी कोई ख़ास हिकमत है और भाई पहला जवाब अल्लाह के रसूल अली सलात ने कितने बताए सात चक्कर तो ये असल जवाब है अब समझेंगे हिकमत को तो सात का लफ्ज़ बड़ा अहम है अल्लाह ताला ने आसमान कितने बनाए ज़मीनें कितनी हैं हाँ इंटरेस्टिंग सूरत तलाक के आखिर में ज़मीनें कितनी हैं सात माशा अल्लाह। हफ्ते के दिन कितने हैं? सात। रातें कितनी हर दिन के से दिन रात, ठीक ठीक है? है? सात, बच्चा कितने साल का हो तो कहा जाता है कि भाई नमाज की तलकीन करो हदीस में आता है सात तो सात का लफ्ज यह आदत बड़ा अहम है और यह है भी ऑर्ड नंबर ताक आदत और ताक की नस्बत वाहिद होने के एतबार से ताक होने के एबार से वित्र होने के अल्लाह की तरफ है ये सारी हकमतें इसमें मौजूद हैं और साथ की आदत की अपना एक इम्पेक्ट हुआ करता है और अल्लाह ताला के घर के साथ चक्कर बंदा मुकम्मल करे तो रूहानी फ्यूज और बरक़ात भी उसको खूब मयसर आती हैं अल्लाह ताला हमें तोफ़ी कता फरमाएं क्लियर अगला और आखिरी सवाल लेंगे इन जी अलक वरहि वर्का वालेकाम वरहल वी मेरा आपसे ये सवाल है कि तवाफ़ का इबादत से क्या लिंक है माशा तोाफ़ का इबादत से क्या लिंक है तवाफ़ किसके घर का होता है शाबाश और इबादत किसकी करनी है सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत कितने घंटे करनी हाँ दो घंटे नहीं करनी जुमे के रमज़ान के तीस दिन नहीं करनी हज के चालीस दिन नहीं करनी इबादत पूरी ज़िंदगी करनी है वमा जिन्न वल ख़ल वंस अबून अल्लाह ताली फरमाता है मैंने तमाम जिन्नात और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया अच्छा इबादत में दो अज्जा हैं अल्लाह से इंतहाई दर्जे की मोहब्बत और अल्लाह ताला की मुकम्मल इताअत तवाफ़ में हमने क्या समझा फ़कीराना लिबासहराम और अल्लाह की मोहब्बत में सरचार हो जाओ और उसकी मोहब्बत में डूब कर उसके घर के दीवाना वार चक्कर लगाओ घर किसका है अल्लाह का उसका तवाफ करने का हुक्म अल्लाह ने दिया तरीक़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया तो ये तुम दीवाना वार होकर मोहब्बत में चक्कर लगा रहे हो ना तो सारी कायनात चक्कर लगा रही है लेकिन अल्लाह की इबादत का मामला सिर्फ़ दो चार घंटे का एक आध महीने का तीस चालीस दिन का नहीं सारी कायनात हर वक्त अल्लाह की मुस्लिम फर्मा तो तुम्हें भी हर वक्त अल्लाह का मुस्लिम फर्मा बनना है जिसका इजहार हो रहा है कायनात से मुताबिकत रखते हुए कायनात का जर्रा जर्रा प्लैनेट्स वगैरह अल्लाह अल्लाह के घर के तवाफ की तरह वो भी तवाफ़ में है हरकत में है हम उसका इजहार करते हैं और अल्लाह के हुक्म पर अल्लाह ताला के घर के दीवानावार चक्कर लगाते ये लिंक है तवाफ का इबादत के साथ इबादत के अज़ा कितने हैं दो मोहब्बत और इताद क्लियर हो रही है बात किसी मौके पर आपसे याद दहानी के तौर पर पूछेंगे इन शह इबादत के अजा कितने हैं दो एक इंतहाई दर्जे की मोहब्बत अल्लाह ताला से और मुकम्मल तौर पर अल्लाह सुबहान तद की, की रविश को इख्तियार करना तो अलहद ला बड़े अच्छे सवाल आपकी तरफ से आए हैं और आज हमने तवाफ़ के से कलाम किया बाकी फिर अहकाम हैं एक उम्र के लिए जाते हैं हालत हराम में तवाफ़ का मामला होता है एक तवाफ़ ज़्यारत का मामला तो हज के मौके पर वो फ़र्ज़ होता है इसके अलावा हम जो तवाफ़ अदा करते हैं वो नफल तवाफ़ होते हैं वो आम लिबास में भी हम तवाफ़ करते हैं आम लिबास में नफल तवाफ़ करते हैं मगर इन सब के अंदर हकमतें क्या हैं उनको आज हमने जानने की कोशिश की नाजिक राम आपने महसूस किया अल्लाह से मोहब्बत का इजहार तवाफ़ के ज़रिए से फ़क़ीराना लिबास लिबासहराम हमने बात को समझा अल्हम्दुलिल्लाह और दीवाना वार अल्लाह ताला के घर के चक्कर लगाना सारी कायनात के सीारे से और सितारे सूरज और चाँद और ये सारे प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं तो हम भी अल्लाह ताला हमसे चाहता है कि हम भी मूवमेंट दिखाएँ तवाफ़ के अंदर और फिर क्या है एंटी क्लॉक होता है अमल सारी कायनात भी कर रही है हमने जाना कि महबूब के घर के चक्कर दीवानावाद लगाए जाएं और असल बात क्या है मेरी मर्जी नहीं अल्लाह की मर्जी कभी गोल चक्कर और कभी लंबे-लंबे सई के चक्कर यह है जो इता से सरशार होकर मोहब्बत से सरशार होकर अल्लाह के सामने अपने आप को झुका देना है यह हज की हमें जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने आ रही हैं नाज़िक राम आज हमने तवाफ के से कलाम किया आइंदा इन शाह तक और मौजू के तलु से आपके सामने हाजिर होंगे और हमत हज के बयान का सिलसिला इन खसूस प्रोग्राम्स में जारी रहेगा अब आपसे हम चाहेंगे इजाज़त व आखिर दावाना अनहमद والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته